अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना YouTube जीमेल बनाने के बाद YouTube चैनल बना सकते हैं और उसकी सारी सेटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले जीमेल अकाउंट पर हम जाएंगे, क्रिएट जीमेल अकाउंट। तो क्रिएट जीमेल अकाउंट करने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर फर्स्ट नेम, तो उसके बाद लिखेंगे हम सेकंड नेम, फिर यूज़र नेम लिखेंगे कोई भी जो हमें सुटेबल लगे या जो यूज़र नेम गूगल रिकमेंड करे वो हम गूगल ये इधर नाम देंगे यूज़र नेम के अंदर। उसके अंदर इसके बाद फिर हम करेंगे पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी देर हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद इधर फोन नंबर ऑप्शनल है, अगर देना हो तो दे दें, लेकिन देना मस्ट भी होता है अक्सर जगह। उसके साथ ही रिकवरी ईमेल है कि रिकवरी ईमेल, अगर आपका ये ईमेल किसी वजह से मिस ऐप से आपसे पासवर्ड भूल जाते हो तो रिकवरी ईमेल होना चाहिए पास। उसके बाद फिर आप यहाँ मंथ दोगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, डे मैं एक दफ़ा डमी दे देता हूँ, और यहाँ ईयर कौन से साल, उसके बाद आपकी जेंडर, ये सब कुछ करने के बाद फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद गूगल की यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्राइवेसी एंड टर्म्स है, ये मुख्तलिफ है, उनको करने के बाद फिर एग्री कर देना है हमने। एग्री करने के बाद ये हमारा गूगल का अकाउंट बन चुका है, यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने जाना है जीमेल के अंदर। जीमेल पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने वेट करना है, यह हमें ले जाएगा अपने जीमेल अकाउंट पर। फिर पुराना जितने भी प्रीवियस टैब हो वो हम बंद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे क्योंकि नेट की स्पीड पर डिपेंड करते हैं अब ये। जैसे ही हमारा जीमेल ओपन होता है, देखो ये वेलकम का एक साइन आता है, फिर ये सब को हमने चेक कर देना है। 100% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। अच्छा, ये तीन टैब है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टैब ओपन हो जाए ताकि हमें जो अपडेट्स है वो रिसेंटली जो भी अपडेट्स होगी वो नज़र आती रहे। इसके साथ साथ मैंने दो को चेक कर दिया और ओके कर दिया था। अब जो भी प्राइमरी में होगी वो प्रीवियस मेल होगी, और जो सोशल में सोशल की, प्रमोशन में प्रमोशन की मेल्स होगी, और अपडेट्स के अंदर रिसेंटली जो भी मेल आया करेगी वो मे शो हो जाएगी। ये आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो इसको ना तो स्किप करें ना ही इसको आपने ड्रॉप करना किसी भी सीन को। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हमारा जीमेल है, इस जीमेल को मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा गूगल के अंदर, गूगल के अंदर साइन इन करूंगा। ये मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने बिलफर्ज अपने गूगल अकाउंट को एक दफ़ा लॉग आउट कर दिया और दोबारा से लॉग इन करेंगे तो क्या क्या आपको दिक्कत भी आ सकती है, मतलब क्या क्या इसके अंदर आपको मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, मैंने पासवर्ड दे दिया और जीमेल देने के बाद फिर इसको लॉग इन कर दिया। अब वेट कर रहा हूँ। यहाँ वो पूछेगा मेरे से कि आपने ना तो रिकवरी फ़ोन नंबर दिया ना रिकवरी ईमेल दिया, क्योंकि मैंने ये सिर्फ टेस्ट के तौर पर आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये देना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये देखने के बाद फिर मैंने इसको कर देना है डन। अपडेट कर सकते हैं यहाँ से आप। ये मुझे ले जाएगा मेन पेज पर, जहाँ से फिर मैंने इधर ये जो डब्बा से इस पर क्लिक करने के बाद जीमेल पर जाना है। जीमेल पर मैंने लिखना है HMV स्पेस हसन लिखा है मैंने। HMV स्पेस हसन लिखने के बाद फिर ये चैनल का मेरा, जी जी मेरा चैनल नज़र आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये आइकन पर क्लिक करना है। ये अगर आपका कोई
चैनल पहले से ओपन है तो फिर ये थोड़ा सा आपने ऐसा करना है कि स्विच अकाउंट में जाना है, ठीक है। स्विच अकाउंट में जाने के बाद फिर आपके मुख्तलिफ जो चैनल होंगे यहाँ ओपन वो दिखाएगा, लेकिन आपने ऐड अकाउंट में जाना है। ऐड अकाउंट में जाने के बाद आपने अपना जीमेल का अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। ये जो अभी यूट्यूब के लिए हमने बनाया था ना, तो ये आपने अपना जीमेल का अकाउंट ऐड करना है। अभी ये आ जाएगा तो यहाँ जा इंटर ईमेल और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है ना, आपने ये देखो ये वाला जो जीमेल है ना, ये अभी जो बनाया हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने यहाँ आकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपने थोड़ा सा वेट करने के बाद इधर पासवर्ड जो हमने जीमेल का लिखा था वही पासवर्ड आप इधर बेशक ऐड करो, वही ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी देर ये वेट करेगा। वेट इसलिए होगा क्योंकि नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड कितनी तेज़ है या आहिस्ता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि आपने ये आपका YouTube का मेन पेज जो होगा ना चैनल के लिए वो ओपन हो जाएगा। अभी आपका चैनल क्रिएट नहीं होगा लेकिन आपकी एक तरह से YouTube पर आईडी बन चुकी है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मेन पेज आ गया इसका। अच्छा, मेन पेज आने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपने आइकॉन पर राइट साइड पर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद फिर ये आपको नज़र आ रहा है, फिर यूट्यूब के योर चैनल पर आपने जाना है। योर चैनल पर जाने के बाद ये आपसे फ्रंट पे पूछेगा कि आया आपने क्या नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब मेरा ये जो पहले से नाम लिखा हुआ था हसन वाईटी जो भी है, तो एक तरह से मैं आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ तो इसलिए चेंज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने हसन और वाईटी है और उसके बाद किया क्रिएट चैनल। क्रिएट चैनल करने के बाद थोड़ी देर वर्किंग करेगा क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। अच्छा, उसके बाद फिर वेट करना, यह हमारा चैनल जो होगा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे चैनल हमारा क्रिएट होता है तो भाई ये थोड़ी देर टाइम लेता है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। यूट्यूब पर आपका नया चैनल क्रिएट हो रहा है, आपका हो गया चैनल क्रिएट। फिर कस्टमाइज चैनल में जाना है अपने, इधर कस्टमाइज चैनल में जाने के बाद अच्छा ये आपको फिर लेके जाएगा आपके चैनल के अंदर जहाँ आपका होगा लोगो और चैनल आर्ट। आपने चैनल आर्ट और लोगो कहाँ से बनाना है तो मैं आपको एक लेके चलूँगा वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है कैनवा, ठीक है, canva.com। तो इसके बाद फिर यहाँ आप थंबनेल भी अपना बना सकते हैं, और उसके अलावा लेकिन मुझे थंबनेल नहीं चाहिए, मैं बना रहा हूँ जी लोगो कैनवा के लिए। तो मुझे लोगो बनाना है और दूसरा एक टैब मैं ओपन कर लूँगा। दूसरे टैब के अंदर मुझे इसका जो चैनल का आर्ट है ना, जैसे बैकग्राउंड पिक्चर होती है वो मुझे चाहिए, तो वो मैं इधर लिखूँगा कैनवा यूट्यूब चैनल आर्ट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर मैंने पहले ही जो लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है। दूसरे टैब पर भी पहले ही लिंक के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सामने। तो इधर से अब हमने जाना है जी लोगों के ऊपर। जब हम उसके बाद स्टार्ट डिज़ाइनिंग एंड यूट्यूब का जो भी हमने लोगो डिज़ाइन करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें एक पेज पर ले जाएगा कैनवा के। इसी तरह हमने नेक्स्ट ऐप पर जब जाते हैं तो स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर यूट्यूब चैनल आर्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमने वेट करना है। इधर जी हमें मुख्तलिफ डिज़ाइन दिखाएगा अंदर जाने के बाद के लोगो के आप ये स्टाइल बना सकते हो। मैं एक तरह से ये ले लेता हूँ। अच्छा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से किया मैंने, तो वहाँ से उसके ऊपर माउस का राइट लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है, उसे ड्रैग किया और यहाँ पेस्ट कर दिया था। इसके बाद फिर डबल क्लिक करने के बाद इसके अंदर का सारे ये डाटा डिलीट करने के बाद फिर मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिखूँगा। चैनल का नाम लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, सिंपल साइट पर क्लिक करने के बाद फिर डाउनलोड जहाँ लिखा हुआ है राइट साइड पर ऊपर को करके, ठीक है, वहाँ जाकर मैंने इसे डाउनलोड करना है और इसको फिर में हो जाएगा डाउनलोड। ये विद इन 20 सेकंड के अंदर आपको डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद फिर आपने इसको बटन को ऑफ कर देना, बंद कर देना, मतलब टैप को। उसके बाद फिर आपने लोगों में जाना है और अपने एडिट में जाना है। ये आपकी गूगल पर जाकर अबाउट में खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा पेज। आपने वहाँ जाके क्या करना है कि अपना ये जो अभी डाउनलोड किया हमने लोगो, ठीक है, इसको कैसे ऐड करना है ये मैं तरीका आपको सिखाता हूँ। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है आपके चैनल का नाम उसके ऊपर ये जो लोगो से बना हुआ है इधर आपने क्लिक करना है कैमरे पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप इधर से थोड़ी देर वेटिंग
क्रिएट करने के बाद यहाँ आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी इमेज को। अगर ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो आपने क्या करना है, इधर क्लिक करना है, आपने अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। ठीक है, अपलोड फोटो पर क्लिक करने के बाद ये आपके चूज फोटो जहाँ आपके इधर डाउनलोड पे या कहीं भी पड़ी हो इमेज जो भी आप लगाना चाहते हो वो यहाँ ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद फिर ये वहाँ ऐड हो जाएगी। इतनी देर में हम जाते हैं इसके चैनल आर्ट पर। चैनल आर्ट पर मुख्तलिफ डिज़ाइन है जो कि पेड भी है और फ्री भी है। चले हम पहला एक दफ़ा लेके देखते हैं। तो इधर हम नाम लिखते हैं, रिमूव टैग करेंगे तो ये बता देगा आपको पेड है या नहीं। नहीं, ये पेड है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, हम फ्री वाले को एक दफ़ा चूज करते हैं। ये फ्री वाला मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फिर ये यहाँ शो हो जाएगा और इधर मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद फिर मैंने इधर लिख दिया अपने चैनल का नाम जो बैकग्राउंड पर नजर आएगा। ठीक है, इसका भी वही तरीका है, डाउनलोड पर जाना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। विद इन 20 सेकेंड के अंदर ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड आने के बाद फिर आप इस टैब को भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ थोड़ी देर ये वेट करेगा क्योंकि आपने यहाँ से जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप लोगों का किया था वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ शो हो जाएगा। अगर ना हो तो एक दफ़ा क्रॉस करने के बाद दोबारा से आप इसको यहाँ से अपलोड पर जाएं। अपलोड पर जाने के बाद दोबारा डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद फिर ये आपको यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं कि इसको छोटा करना है साइडों से। छोटा करने के लिए ऐसे साइडों से पकड़ कर माउस से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको ओके कर दें। डन कर दिया तो ये लोगो आपका इधर शो हो जाएगा। अब इसको बेशक आप बंद कर दें, कोई टेंशन नहीं। अब जाएंगे अपने चैनल पर, चैनल आर्ट पर। चैनल आर्ट पर जाने के बाद आपने ये ओपन होते ही आप इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद फिर थोड़ी देर की प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपका चैनल आर्ट था वो शो हो जाएगा। यहाँ डेस्कटॉप, टीवी और मोबाइल तीनों के लिए जैसा आपने शो करने और ऑटो इंसांस करने का मकसद ये होता है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते कलर। फिर सिलेक्ट करने के बाद ये आपका शो हो जाएगा ये बैकग्राउंड पर भी। और उसके अलावा आपका लोगो भी शो होने के लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के बाद अब देखते हैं। उसके बाद फिर क्या करने के, थोड़ी देर के लिए ये रिफ्रेश करने के बाद अब ये हमने ये दोनों चीज़ें देखना है कि ऐड हो चुकी होगी। हमारा लोगो भी लग चुका है और उसके अलावा थंबनेल भी लग चुका है और उस बैकग्राउंड पर। वीडियोस में देखना है तो वीडियो अभी यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि हमने अभी तक ना यहाँ कोई भी अपलोड नहीं की। वीडियो मैनेजर में जाएंगे हम, यहाँ क्लिक करेंगे। वीडियो मैनेजर में क्लिक करने के बाद ये हमें अपने चैनल के डैशबोर्ड तक ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करने के बाद फिर हमने देखना है, हाँ वेट करेंगे क्योंकि नेट की स्पीड हो सकता है आप स्लो और अगर तेज भी हो तो ये कुछ टाइम लेता है प्रोसेसिंग के लिए। तो प्रोसेसिंग में करने के बाद फिर आप देखते हैं, ये आ गया हमारा चैनल के अंदर का व्यू। ठीक है, इसको स्किप कर देना क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ, बस कोई स्टेप मिस ना हो। अगर मिस हो गया तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को कि ये पुराना वर्जन है। तो पुराने वर्जन के अंदर हम डैशबोर्ड पर जाते हैं तो डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद ये हमें दिखाएगा कि अपने चैनल का नाम, उसके व्यूज, उसके सब्सक्राइबर और यहाँ से विजिट ऐड होते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे चैनल के अंदर। अच्छा, चैनल के अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ वेरीफाई लिखा है, यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लाजमी इसको वेरीफाई करना है चैनल को, अदरवाइज आपका कहीं भी क्लिक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ टैक्स है, आप मतलब जैसे हमारे गूगल वेरिफिकेशन कोड आता है इसी तरह यहाँ अपना नंबर देने के बाद अगर आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में हैं वहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको कोड को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ इनेबल कर देना है, ये जहाँ जहाँ इनेबल लिखा हुआ चीज़ है। ठीक है, इनको इनेबल करने के बाद फिर आपने वीडियो मैनेजर पर जाना है। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद फिर आपने इधर देखना कि अभी आपकी कोई वीडियो अपलोड नहीं है एक चीज़। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपकी को सारी ये प्लेलिस्ट है कि आपने कौन कौन सी वीडियोस अपलोड की है, किस किस कैटेगरी की। ठीक है, यहाँ से बनती है प्लेलिस्ट। अच्छा, दूसरा क्या है, ये चैनल के अंदर एडवांस के अंदर अगर आप जाएंगे तो उधर क्या चीज़ें हैं मैं अभी दिखाता हूँ कि एडवांस में है कीवर्ड्स वगैरह, मतलब आपके चैनल को कैसे सर्च किया जा सकता है गूगल पर। ठीक है, चैनल को कैसे सर्च किया जा सकता है, मतलब अब मैं यहाँ कुछ ऐसे कीवर्ड डालता हूँ जिससे मुझे ये चैनल सर्चिंग में आ सके।
ये मैं लिखता हूँ एच एस एन वाई टी, ठीक है। इसी तरह अगर इसको एंटर करता हूँ, अब इसके साथ साथ अगर मैं दूसरे भी डालना चाहता हूँ तो कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद फिर मैंने वो दूसरे अब कीवर्ड डालता हूँ जो कि मेरे सर्चिंग के लिए। तो अब स्टार्ट हो रहा है फुलकाम, यहाँ जाना है हमने अपलोड पर। अपलोड पर क्लिक करने के बाद अब हमने करनी है कोई भी वीडियो अपनी अपलोड। अपलोड कैसे करते हैं, इधर के इधर क्लिक करने के बाद फिर हमने ढूंढी अपनी वीडियो, वीडियो जहाँ भी पड़ी होगी। फिर हमने वीडियो ढूंढने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वैसी है, इसको डबल क्लिक किया तो ये अब अपलोडिंग स्क्रीन आ गई है, ठीक है। इधर ये प्रोसेसिंग हो रही है, कितने परसेंट प्रोसेसिंग है। यहाँ हमारा टाइटल लिखा जाता है, क्या है आपका टाइटल, क्या लिखना है आपने यहाँ। तो यहाँ हमने लिखना है अपना टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, मतलब कि ये मेरे चैनल का नाम है एच एम वी स्पेस हसन, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करें लाजमी, तो एच एम वी स्पेस हसन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर मैंने इसके बाद फिर कुछ टैग डाल दिए। टैग डालने के बाद हाँ जी ये चेक करता हूँ, उसके बाद फिर ये साथ ही प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी कोई प्लेलिस्ट होगी या शो हो जाएगी, वरना आप नहीं भी बना सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड अगर आप वीडियोस दे रहे हो तो उस कैटेगरी की प्लेलिस्ट बनती है। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट दे रहा था, इसका टेस्ट नाम दिया और क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये प्लेलिस्ट भी हमारी बन गई और वीडियो अपलोडिंग पर लगी हुई है। तो अब कुछ देर का हमने करना है वेट, क्योंकि हमारी वीडियो हो रही है अपलोड। जब तक ये प्रोसेसिंग 100% नहीं होती तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ ये कैटेगरी मैं समझा देता हूँ कि ये कैटेगरी अगर आपने एंटरटेनमेंट से रिलेटेड देनी है या अपने एजुकेशन से रिलेटेड देनी है तो यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। बेसिक इन्फो के अंदर ये तीन चीज़ें हैं कि आपके टाइटल है, डिस्क्रिप्शन और टैग्स है, और प्रोसेसिंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये नीचे से थंबनेल नज़र आएंगे, लेकिन अभी मैं अभी आपको नहीं बताता। अच्छा, कुछ देर वेट किया तो हमने हमारी होगी प्रोसेसिंग कंप्लीट, ठीक है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ये थंबनेल नज़र आ रहा है, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद हम पब्लिश कर देंगे वीडियो को। वीडियो को पब्लिश करने के बाद अब क्या करना है कि हमारी जो वीडियो है वो ऑनलाइन आ चुकी है, ठीक है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है दुनिया में। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये डन होने के बाद फिर हमारे पास ये एक दूसरा पेज आता है, इसके हम टेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपने सोशल चैनल, अगर ये फेसबुक या ट्विटर या कहीं भी इसको सेंड करना चाहते हैं तो ये वहाँ शेयर हो जाएगी। उसके अलावा हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं पेस्ट कर सकते हैं लिंक। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद ये हमारी जो वीडियो अभी अपलोड की है ये नज़र आ गया। इसको क्या करना है कि हम नीचे करते हैं और लाइक कर दें, और एडिट वीडियो में जाने से पहले आप क्या करें कि कमेंट्स एस ई ओ से रिलेटेड होता है कि इधर लिख रहे हैं आप सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद फिर आप इसको एज ए कमेंट्स डाल दें, ठीक है। कमेंट्स डालने के बाद जब ये कमेंट्स पुट हो जाए तो आप इसको करें पिन। पिन करने से क्या होता है, जो भी आपके वीडियो देखेगा तो ये फ्रंट पे आपका कमेंट्स नजर आएगा, उसके बाद हर्ट का एक कर दें, एसईओ से रिलेटेड है, ठीक है। एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद फिर हमने क्या करना है कि अभी आपको बताता हूँ कि एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के फौरी बाद ही हमने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है। ये सारा प्रोसेसिंग जितना भी है ना यूट्यूब का, वेटिंग लाजमी है, बहुत ज़्यादा है। जो बंदा वेट करता रहेगा जाहिर है ये अर्निंग भी वही लेता है। इतनी जल्दी एकदम से तो ना तो इस पर अर्निंग आती है, ना कोई क्राइटेरिया है। अच्छा, ये इसका एक पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद फिर मैं दोबारा आपको क्लासिक में ले चलता हूँ, क्योंकि पुराना वर्जन था वो इजी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये आप अभी रहने दें, ये बाद में मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो इस पर कंप्लीट बना के। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि अब ये पुराना वर्जन आ गया, देखिए हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। इसके ये टैग ये इस तरह से अब इसमें शो करवा रहा है क्या क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, ये इन्हांसमेंट, मतलब आप अपनी वीडियो को यहाँ से इन्हांस भी कर सकते हैं, तो ब्लर या कोई भी कस्टम। यहाँ से ऑडियो, मतलब अगर आपने कोई सॉन्ग वगैरह ऐड करना जो कि कॉपीराइट फ्री है, जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती यूट्यूब की तरफ से, मतलब एक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये सॉन्ग है, ठीक है, ये सॉन्ग अगर पसंद होता है, ठीक है, अदरवाइज मैं ये सॉन्ग सेलेक्ट करता हूँ। ये सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद अगर ठीक लगता है इसको ऐड टू वीडियो में डाल देंगे।
एक्टिव वीडियो में डालने के बाद फिर सेव चेंजेस करने से, चेंजेस करने के बाद इसको सेव करने थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगने के बाद फिर एंड वीडियो में जाने, लेकिन उससे पहले ये कह रहे कि पहले पुरानी प्रोसेसिंग हो जाए, ठीक है। एंड वीडियो में जाते हैं, एंड वीडियो का मकसद होता है कि सजेशन लास्ट में 10 सेकंड जब रह जाते नज़र आते हैं। अच्छा, अब इसका क्या करना है कि वेट करना है, वेट 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 वेट। अच्छा जी, ये जैसे वेट ओपन होगा, जैसे ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो हमने दोबारा ये बेटा वर्जन पर ले जाएगा, लेकिन हमने दोबारा इसको स्किप कर देना है। अच्छा, स्किप करने के बाद फिर क्या होगा कि आपको मैं भी दिखाता हूँ, एक मिनट। फिर वेट 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 वेट, यहाँ हमारी एडिटिंग हो रही है, जो कि हमने सॉन्ग एडिट इसमें किया है, प्रोसेसिंग हो रही है इसके अंदर ही, इसको चलता रहने दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगाएगा, अगर आपकी HD में या अल्ट्रा HD है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाएगा। अच्छा, एंड स्क्रीन पर जाना है, एंड स्क्रीन पर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मुख्तलिफ ऑप्शन आएगी, इसको हमने कर देना गॉट इट, हमें पता है, बड़े अक्लमंद है। अच्छा, यूज में जाना है, उसके किस तरह के, मतलब हम डिज़ाइन लेना चाहते हैं किस तरह के, ये दरमियान में ये जो गोल सर्कल है ये हमारे चैनल के लिए होता है, जबकि साइडों वाले ये हमारी वीडियोस के लिए होता है। इधर हमने क्लिक किया, अगर हमारी कोई वीडियोस होएगी तो ये यहाँ नज़र आ जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने एक ही वीडियो अपलोड की हुई है। अच्छा, इसको कर दिया लीव। लीव करने के बाद थोड़ी देर और वेट करना है, तो ये यहाँ से हमारा डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं, और इसी तरह वीडियोस में भी मैंने आपको दिखा दिया है। एड विजेट में अगर हम जाते हैं तो अभी तो यहाँ कुछ शो नहीं करवाएगा, क्योंकि एक वीडियो भी वो भी एडिटिंग में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये था हमारा सारा क्राइटेरिया चैनल बनाने का, जीमेल से लेके मैंने आपको यहाँ चैनल के अंदर वीडियो अपलोड होने तक सारा A to Z सारा समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को भी और मेरे दूसरे चैनल को भी। मैं आपको दूसरे चैनल का भी लिंक HMV Space Hassan डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो लाजमी दोनों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।